इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष और विजय दिवस मनाने के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। इन्फेंट्री स्कूल महू में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ प्रदर्शित करने के इरादे से की गई है। इस म्यूजियम का निर्माण 2007 में शुरू किया गया था, वही 2017 में बनकर तैयार होने के बाद इसे सेना के अधिकारी जवानों के लिए खोला गया। अब करीब 5 साल बाद इसे देश के आम नागरिकों के लिए खोला गया है। संग्रहालय में 1747 से 2020 तक इन्फेंट्री के इतिहास की सभी झलक मौजूद हैं, जिसमें मूर्तियों, चित्रों और फोटो गैलरी में संरक्षित हमारे बहादुर सैनिकों की समृद्ध विरासत, गौरवशाली अतीत और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय के निर्माण पर एक दशक से काम चल रहा है। इन्फेंट्री म्यूजियम को एक लिविंग कंसेप्ट म्यूजियम पर डिजाइन किया गया है। भवन को समग्र योजना के अनुसार अलग अलग भाग में विकसित किया गया है। म्यूजियम की 3 मंजिला इमारत को 2 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसमें 17 अलग अलग कमरे हैं, जो 30 विषयों में 1747 से भारतीय इन्फेंट्री के इतिहास और विकास को कवर कर रहे हैं। यहाँ प्लासी की लड़ाई, 1757 सारागढ़ी की लड़ाई, 1897 बक्सर की लड़ाई, भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 के साथ साथ शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को संरक्षित किया गया है। जो इन्फेंट्री का म्यूजियम है मऊ में अभी इंडियन सिटीजन के लिए खुला है, ये एक ऐतिहासिक है, क्योंकि इन्फेंट्री एक इंडियन आर्मी का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट आर्म है। कॉम्बैट आर्म में बहुत सारे ऑफिसर्स, जवान, जेसीओस ये कुर्बानी देते हैं, एक्ट ऑफ वैलर होता है, और बहुत पुराना इतिहास है हर एक इन्फेंट्री रेजिमेंट का, यूनिट्स का। ये सारा अभी तक जो लोगों को पता नहीं है, अभी इसको इंडियन सिटीजन्स के लिए खोलने से सारे आके इसका पूरा इतिहास देख सकते हैं, इनका वैलर देख सकते हैं, कैसे कैसे इन्होंने अपना काम करते हैं पूरे ज़िंदगी में। ये एक फौज और सिविलियन को जोड़ने में बहुत अच्छा मदद करेगा। इसके अलावा जो इसमें जो सीरियस रिसर्चर्स हैं वो इंडिया में और बाकी दुनिया में भी बहुत सारे हैं जो इन्फेंट्री के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए एक जगह पर सारा कुछ मिल जाएगा। ये इस आज के दिन में इसको सिविलियन सिटीजन्स के लिए खोलने से एक बहुत बड़ा कदम लिया है। सर, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह से कितने साल इसको बनती तो शुरुआत जब बता दें कि म्यूजियम के माध्यम से लोग सेना के इतिहास और इन्फेंट्री के इतिहास को जान सकेंगे। वही सेना वो इन्फेंट्री से जुड़े रिसर्च काम करने वाले लोगों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस म्यूजियम में सैन्य जीवन और सेना की लड़ाइयों के बारे में जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से गौरव कंचल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।